हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज मैं लेने वाला हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉम्बैट नंबर 4 लूंगा यहाँ पे। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। जैसे प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड ट्यूब ए बी ऑफ लेंथ एल रोटेट्स विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट वर्टिकल एक्सिस ओ डैश पासिंग थ्रू एंड ए। यहाँ पे आप देख पाओगे आपके पास ये ट्यूब ए बी है जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है यहाँ पे, और ये आपका वर्टिकल एक्सिस है ओ डैश है यहाँ पे, और वो जो कि एंड ए से होते हुए जा रहा है, और इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ये ट्यूब रोटेट कर रहा है विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रोटेट कर रहा है। क्या बोल रहा था, ट्यूब इज फिल्ड विथ आइडियल फ्लूड, द एंड ए ऑफ द ट्यूब इज ओपन एंड क्लोज्ड, एंड बी हैज अ वेरी स्मॉल ओरिफाइस। अब यहाँ पर देख पाओगे एंड ए जो है वो ओपन है और एंड बी जो है उसके पास छोटा सा ओरिफाइस है जहाँ से लिक्विड बाहर आ सकता है। आपको बताना है द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड विद रिस्पेक्ट टू द ट्यूब इज, यानी ये जो लिक्विड जो बाहर आएगा यानी फ्लूड जो बाहर आएगा उसका वेलोसिटी क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू द ट्यूब, ट्यूब के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए हैं। जैसे पहला वाला ऑप्शन आप देख सकते हो डब्ल्यू एच 12H+1, सेकंड वाला 0, थर्ड वाला ओमेगा इन टू एच 12H-1 और ओमेगा इन टू एच 2H/L-1। यहाँ पे चार ऑप्शंस भी दिए हैं यहाँ पे। तो आप प्रॉब्लम को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे सिंपल वे में। यहाँ पे सिर्फ आपको वेलोसिटी पूछा है कि जो लिक्विड बाहर आ रहा है एंड बी के ओरिफाइस से उसका क्या वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू द ट्यूब, अगर वो हॉरिजॉन्टल ट्यूब जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व करेंगे इजी वे में, और आप जैसे भी सॉल्व करते हैं सॉल्व हो जाने के बाद आप वैसे ही जैसे आप पहले कर रहे थे कॉम्बैट नंबर 1, 2 या 3 में आप कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए बी सी या फिर डी। और साथ ही साथ अगर आपका सही है तो आप किस अप्रोच से बना रहे हो, क्या कंसेप्ट आप लगाना चाहते हो वहाँ पे, इन सभी चीज़ को भी आप थोड़ा सा वहाँ पे मेंशन कर सकते हो इन वेरी शॉर्ट फॉर्म, एकदम बहुत ही लार्ज फॉर्म में नहीं, अगर एकदम सिंपल वे में भी आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो कि ऐसा आप सोच रहे हो, इस टाइप से आपका कंसेप्ट होगा वहाँ पे, राइट। और मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, इस वाले प्रॉब्लम का ही आप सोल्यूशन भी अपलोड करूँगा, कॉम्बैट नंबर 4 का सोल्यूशन भी अपलोड करूँगा, तो वहाँ पर आप मैच कर पाओगे कि आप किस टाइप से सोच रहे थे, क्या आप सही सोच रहे थे, आप गलत सोच रहे थे, यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगना चाहिए, इन सभी चीज़ों का आप वहाँ पे एनालिसिस कर पाओगे यहाँ पे। सो प्लीज़ पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स फॉर दिस फ्लूइड मैकेनिक्स कॉम्बैट नंबर 4। थैंक यू।